हजारीबाग शहर से लेकर सब्जी मंडी तक कचरे के अंबार से भरा पड़ा है और इसका मूलभूत कारण है कि जो भाई बंधु नगर निगम के हैं हमारे लगभग 484 वो हड़ताल पर बैठ गए हैं अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के। आज उनकी अहमियत का कहीं ना कहीं अंदाजा हो रहा है। आप देख रहे हैं सब्जी मार्केट में हम लोग हैं और प्रतिदिन जिस चीज की सफाई हमारे सफाई कर्मी भाई बंधु आकर के करते थे, इन कचरे के अंबार को, सड़ी गली सब्जियों को क्लियर करते थे और बाकी जहां भी शहरी क्षेत्र में कचरे जमा है उसकी सफाई करते थे लगभग 5-6 दिनों से, 23 तारीख से उसकी जो चीजें हैं सफाई जो है वो नहीं हो रही है। और आपको बता दूं कि ये सब्जी मार्केट में हम लोग हैं और ये देखें कि जो सबसे व्यस्ततम इलाका है सब्जी मंडी का, हजारीबाग सब्जी मार्केट का, वहां आप देखेंगे जगह जगह कचड़े का ढेर जो है आप देख पा रहे होंगे। ये लोगों के पीछे की तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये एक बोरा नहीं रखा हुआ, ये कचड़े का अंबार पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आगे बढ़ के मैं कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी, दिखाई देखिए वो कचड़े का अंबार और ऐसे ऐसे 5 से 6 जगह पर जो है कचड़े का अंबार है और जूम आउट करके जब हम लोग यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ पे भी कचड़े का अंबार है। आगे भी आपको जैसे ही कालीबाड़ी रोड से घुसते हैं हम लोग, वहां भी कचड़े का अंबार है और बदबू इतनी ज्यादा है कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में जो यहाँ सब्जी विक्रेता है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो 6 सूत्री मांगे हैं जीवन बीमा को लेकर, स्वास्थ्य बीमा को लेकर के, स्थायीकरण को लेकर के, 484 जो नगर निगम के लोग हैं उन लोगों ने हड़ताल कर दिया है 23 तारीख से। और ऐसे में जो है इस तरफ आप यहाँ जो कुछ लोग हैं यहाँ उनसे बात करेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है इससे? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत, ये कूड़ा से बहुत दिक्कत हो रहा, बहुत दिक्कत हो रहा। अच्छा ये कचरा सुबह क्या स्थिति होती है जब आते हैं यहाँ पे? बहुत गमक रहा, बहुत गमक रहा, इतना गंदगी फैल गया, बहुत गंदगी फैल गया। और उस तरफ भी हम लोग बात करेंगे अभी फिलहाल में। और आपको बता दूं कि गंदगी ना रहने के लिए न जाने कितने प्रयास किए जाते हैं और गंदगी से होने वाले बीमारियों को लेकर के भी, उसके रोकथाम को लेकर के कई प्रयास किए जाते हैं। क्या स्थिति रहती है सुबह की ये बताइए। गंदगी बहुत महक है मुन्नी, बहुत महक इसमें है, इतना महक है बैठना जुर्म हो रहा है हम लोग को, बहुत बीमार पड़ जाएगा यहाँ पर, इतना महक है ना कि बीमार पड़ जाएगा आदमी। इस बाजार से आदमी को क्या स्थिति होना चाहिए, जो कि नगर निगम बना हुआ है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, उस नगर निगम का क्या स्थिति है देखिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। नगर निगम को सोचना चाहिए कि उठा के कूड़ा फेंकवावे यहाँ से बाजार से। वो लोग तो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, धरना बैठा तो हम लोग तो बीमार से पड़ जाएगा, उन्होंने हम लोग नगर निगम तो पैसे दे ही रहे हैं, जो टैक्स 2 रुपया था तो हम लोग 20 रुपया टैक्स हो गया। अच्छा जैसे और शहरी क्षेत्र से आप लोग आते होंगे, क्या स्थिति है और शहरी क्षेत्रों की? क्षेत्र में भी नाली कुचली सब साफ नहीं होता है, बहुत गंदगी है, रोड पर देख लीजिए बहुत रोड पर भी गंदगी है, पर रोड में गंदगी है, जो कि पोगरा चौक देखिए जाकर कितना गंदगी है, कांग्रेस मैदान पर देखिए कितना गंदगी है, इसे बहुत गंदगी है। कहीं कि ना कहीं आप जो है सफाई कर्मी की जो मौजूदगी है वो आप खल रही है लोगों को? हाँ खल रहा है यहाँ पर, बहुत गर्मी से बीमारी फैल भी रहा है यहाँ पर, बोलते बीमारी। बता दूं कि नाक में बिल्कुल दम हो रखा है, यहाँ आने जाने वाले लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे, कैसी महक आ रही है, खुशबू कैसी आ रही है यहाँ पे? बहुत खराब खुशबू, नहीं बदबू आ रहा है। अच्छा सफाई कर्मी जो हमारे हैं वो लोग गए हुए हैं हड़ताल पे अपनी कुछ मांगों को लेकर के, जानते हैं आप? हड़ताल जाने से अच्छा है यहाँ साफ कर दे, हड़ताल वहाँ करने से अच्छा है। नहीं आपको मैं बताना चाहूंगी कि अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के जो है नगर निगम के 484 जो लोग हैं वो लोग हड़ताल पे गए हुए हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि उनका कहना है कि 8 से 10 हजार मात्र उनको वेतन मिलता है जिसमें उनका गुजारा, बच्चों की जो परवरिश है, स्कूली जो खर्चे हैं वो तक नहीं उठ पा रहे हैं। साथ ही साथ जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी 6 सूत्री मांगों को लेकर के बीते 5-6 दिनों से लगातार वो हड़ताल किए हुए हैं। और ऐसे में ये जो स्थिति देख रहे हैं आप, ये स्थिति कुछ सब्जी मंडी की है और हम लोग आगे की भी इन स्थितियों का जायजा लेंगे और आप लोगों को दिखलाएंगे कि जैसे ही कालीबाड़ी रोड से हम लोग इन करते हैं आप देखेंगे इस तरफ भी जो है सड़कों की स्थिति कुछ ऐसी है, कचरे का अंबार कुछ ऐसा लगा हुआ है, इसको खुद जो है यहाँ सब्जी वाले जितने लोग हैं वो लोग इसको खुद से जो है साइड करके और किसी तरह से सब्जी बेच रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि
लोगों का बिल्कुल नाक में इस बदबू से दम हो रखा है। अच्छा, क्या स्थिति होती है सुबह में जब यहाँ पर आते हैं, तो कैसी स्थिति होती है? सुबह में सुबह सूत उठ के आते हैं, नहा धोवा के आते हैं और देखते हैं पूरा कचरा पूरा फैला हुआ रहता है चारों बगल। उसके बाद हम लोग कोड़ी से हाथ से साफ करके ऊपर चढ़ाते हैं, उसके बाद साफ करके परा धो के दुकान लगाते हैं। अच्छा, 23 तारीख से अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के जो नगर निगम के 484 लोग हैं वो लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है कितना जरूरी मांग है उनका जीवन? सड़न आलू बिगाड़ता है देखिए, हजारीबाग रात का हम लोग दिन भर साफ करते हैं और भोर में गद्दीदार लोग सब ला करके बिक देते सड़न आलू। देखिए, हम लोग कचरा में बैठे हुए हैं और गंदगी में बैठे हुए हैं, एक जरा बिक्री नहीं है। सब बीमारी हो जाएगा तो हम लोग को कौन इलाज कराएगा? कोई एकदम गरीब आदमी है, एक रुपया कमा नहीं रहा, बाल बच्चा चार गो नाती पोता है, दादी पैसा दीजिए तो कहाँ से दे? हाथ में घुस रहे हैं सरकार को, बोलिए ना। एक कप चाय पीने बिना हम लोग 2 दिन से ढाना कर रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे थे आप, क्या बोलना चाह रहे? हजारीबाग नगर निगम द्वारा बाजार से टैक्स वसूली करने के बाद भी बाजार डेली मार्केट में ये गंदगी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इससे बीमारी का भी प्रभाव पड़ता है और ग्राहक इस गंदगी में आने में होता है। दुकानदारी खराब हो रहा है। वो लोग तो हड़ताल पे बैठे हुए अपनी कुछ मांगों को लेकर के। उनकी मांग ये है कि 8 से 10 हजार वेतन मिलता है, न बच्चों का परवरिश हो पा रहा है, न स्कूली खर्चे उठा पा रहे हैं, 25-25 वर्ष जो काम किए उनका भी स्थायीकरण नहीं हुआ अभी तक, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की गुजारिश लगाए बैठे हैं, कहाँ तक उचित है, क्या लगता है, क्या उचित है? नगर निगम द्वारा पहले जो कांग्रेस के टाइम में जो टैक्स लोग को दिया मिलता था उसे चौगुना टैक्स मिल रहा है, उसके बाद उन लोग हड़ताल में कर रहा, तो ये गलत है और बाजार का सबके वेतन में तो इजाफा नहीं हुआ है ना। हाँ, तो फिर अब इस सरकार ने समझेगी इस बार क्या करेगा? जो आप देने वाला पैसा जितना जल्दी कंपनी को दे दिया है वसूलने के लिए, जिस घर का यानी कि टैक्स यानी कि 100 रुपया था, 800 रुपया भरा जा रहा है, यानी कि बोलिए ना, जो मांग है उनको पूरा कीजिए। घर का जो टैक्स है, पहले एक मकान का एक ही टैक्स चलता था, अब पहला तल्ला दूसरा तल्ला हर टैक्स बढ़ा हुआ है। उसके बाद देखेंगे आप, कुछ युवा भी हैं वो भी कहीं ना कहीं, जो नगर निगम के 484 लोग, और ना ही सिर्फ हजारीबाग में वरन आपको बताऊं ऑल ओवर झारखंड में नगर निगम के जितने एम्प्लॉइज हैं वो सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है कितनी मांगे उनकी उचित है, कितनी सही मांगे? मांगे तो उचित है, हम लोग को बोल रहे सरकार को जो उनका मांग है दिया जाए और जल्द से जल्द इसको साफ किया जाए। डिमांड में बहुत नहीं घुस रहा है, बाजार में घुस रहा है, इतना गंदगी है, इतना सुगंध हो, इतना दुगंध हो रहा है, कस्टमर नहीं घुस रहा है, बहुत गंदगी, इसके कारण दुकानदार का प्रभाव पड़ रहा है मेरे दुकान पास, इससे ज्यादा कूड़ा है आगे के ऊपर। जल्दी हो कि उन लोग के पैसा जितना पूरा करल जाए और साफ किया जाए, कूड़ा जल्दी से जल्दी गाड़ी घुसा करके साफ हो जाना चाहिए। कहीं न कहीं जो है सब्जी मंडी के जितने विक्रेता हैं उनको भी कमी जो है अब खलने लगी है सफाई कर्मियों की। लगभग झारखंड भर के जितने नगर निगम के सफाई कर्मी हैं सभी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल में बैठे हैं, जिनमें से कुछ मुख्य मांगे हैं स्थायीकरण की। उनका कहना है कि 20-25 वर्षों से भी जो इम्प्लॉई जो लोग जो सफाई कर्मी वहां कार्यरत हैं उनका भी स्थायीकरण नहीं हुआ है, साथ ही साथ न जीवन बीमा का कुछ है, न स्वास्थ्य बीमा का उनका कुछ किया गया है, न आने वाले भविष्य के बारे में कुछ किया गया है, बल्कि वेतनमान भी 8 से 10 हजार है, उतने से में क्या होता है। साथ ही साथ उनका कहना है कि न बच्चों की परवरिश हो पा रही है सही से, न घर का जो जीवन शैली है उसमें न तब्दीली आ पा रही है और न ही बच्चों के स्कूली खर्चे उठाए जा रहे हैं। ऐसे में 23 तारीख से लेकर 23 अगस्त से जो है जितने भी सफाई करनी है नगर निगम के पूरे झारखंड के वरन हजारीबाग के जितने 484 सफाई करनी है वो सभी हड़ताल पर बैठ गए हैं, हड़ताल पे चले गए हैं और उनकी 6 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुजारिश लगाए बैठे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हजारीबाग बाग जो सब्जी मंडी है वहां से आप काली बाड़ी के रास्ते से होकर के इसमें इन करें या फिर झंडा चौक के पंच मंदिर के आसपास की सफाई की बात करें या सब्जी मंडी की सफाई की बात करें, काली बाड़ी की सफाई की बात करें या रामनगर जो हजारीबाग का है शिवपुरी है वहां की सफाई की बात करें, यानी कि हर उस जगह पे जहां जहां रात्रि में सड़कों पर झाड़ू लगा करके सफाई किया करते थे नगर निगम के सफाई कर्मी,
हर उस जगह पे जहाँ से कूड़े कचड़े को डस्टबिन को खाली किया करते थे सफाई कर्मी, आज उन सफाई कर्मियों की जो है हड़ताल की वजह से आज उनको कहीं ना कहीं एहसास लोगों को हो रहा है, उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है। चाची रोज आते हैं सब्जी बेचने के लिए? नहीं बहन, कभी कभी हम लोग आते हैं। ऐसा स्थिति कभी देखने को मिला है? नहीं, कभी कभी मिलता है, कभी कभी सफा रहता है, कभी कभी मिलता है। आज तो ज्यादा गंदा है, 20 रुपए। किलो कैसे देंगे? अच्छा बदबू कैसा है ये बताइए? बदबू बहुत गंदा है। अच्छा हड़ताल पर बैठे हुए हैं जो सफाई कर्मी है, 484 सफाई कर्मी हजारीबाग के और पूरे झारखंड में, अपनी कुछ मांगों को लेकर के? पता नहीं, ये तो नहीं मालूम है। आपके घर के आसपास सफाई हो रही है? नहीं हो रही। 23 तारीख से वरन जो है सफाई पर वो लोग बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं आप लोग, कितनी उचित मांगे हैं उनकी? उचित मांगे उन लोगों को पूरा है, हक मिलना चाहिए, क्योंकि इतना दुर्गंध में काम करते हैं, जीवन बीमा मांग रहे हैं 10 लाख रुपया का, वो उचित है। प्लस में हम लोगों घरों का सफाई करता है, ये भी मांग उचित है, उन लोगों को पूर्ति करना चाहिए नगर निगम में। आज कभी कहीं ना कहीं जो है बहुत पैसा जाता है नगर निगम में, सालाना यहाँ से जा रहा है 1 करोड़ रुपया, चुंगी वसूली जा रहा हो रहा है, मटवारी पूरा दुकान पर दुकान लगा हुआ है, घर से टैक्स जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? ये सवाल का घेरा सवाल जांच करना चाहिए सरकार को। जाहिर तौर पे यहाँ कुछ और दुकान करनी है जो कहीं ना कहीं मसाले बेच रहे हैं, और मसाले की खुशबू जो है जब तक सब्जी में ना जाए मन नहीं लगता। यहाँ की खुशबू के बारे में क्या बोले? इतना गंदा स्थिति हो गया यहाँ पे, हम लोग को पूरा बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके वजह से हम लोग को तबीयत खराब हो रहा है इतना कचरा वजह से। सरकार से ही मांग हम लोग का है कि जल्द से जल्द हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करे और जल्दी से सफाई करे। क्या लगता है कितना उचित मांगे हैं? मांगे कितनी उचित है उनकी? बीमा का मांग कर रहे हैं, सैलरी बढ़ाने का, स्थायीकरण का मांग कर रहे हैं? ज्यादा बड़ा मांग तो नहीं है, इतना तो कर ही सकते। बिजीरों उन लोग गंदा काम करता है, उसके वजह से उन लोग को बीमारी होता है, तो उसके लिए बीमा तो उन लोग को चाहिए, इंश्योरेंस उन लोग जो होता है वो तो चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ सब्जी मंडी हजारीबाग की, और वरन आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ के हालात क्या हैं, जब 23 तारीख से सफाई नहीं हो रही है शहर भर में, और ना ही सिर्फ हजारीबाग में वरन पूरे झारखंड में लोग बैठे हैं, और 484 सफाई कर्मियों की जो कमी है वो आज कहीं ना कहीं खल रही है। आपके अपने एरिया की, अगर आप हजारीबाग से हैं या झारखंड से हैं, कैसी कमी खल रही है सफाई कर्मियों की, क्या अहमियत है उनकी, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उचित मांगे हैं, कितनी जल्दी पूरी होनी चाहिए, या फिर क्या स्थिति आपके आसपास के एरियाज की है, फटाफट से कमेंट करें, हम लोग कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और तब तक के लिए इजाजत दें, फिर नई किसी अपडेट, किसी नई सूचना खबर की तरफ लेकर चलूंगी। शुक्रिया।